नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, यह जो हमने रूल बनाया है पहले पार्ट में, अब इसमें हम इस राट को सेट करेंगे और उसके बाद इसमें हम देखेंगे इसका लोड कितना है और यह बढ़िया से काम कर सकना है। और यहाँ पर देखिए, मैंने इसे चिपटा कर लिया है जिससे जब हम साबुन को इसमें मिलिंग करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएगा, उससे अगर चापट नहीं होगा तो वह घूम जाएगा, गोल रहेगा। समझ में आ गया? जैसे यह मिलिंग मशीन है तो हम जब साबुन बनाएंगे तो पहले तो हम साबुन के जो भी रॉ मटेरियल रहेगा उसे हम इससे बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे और उसके बाद वह बढ़िया साबुन बनाने के लिए या सूप नूडल्स बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, इसका अभी कई पार्ट आएगा तभी यह पूरा मशीन कंप्लीट होगा। देखिए, इसमें तो मैंने चिपटा कर लिया है, अब इसमें भी हमें काटना होगा। समझ में आ गया? जैसे यह तो हो गया चिपटा और यह अभी गोला है, इसे भी काटना होगा, तब हम इसमें जो भी चाहे अल्मोनियम चाहे रांगा को हम इसमें जब ढालेंगे तो वह मजबूती के साथ इसमें सेट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने इसे काट लिया है, अब यह गोल नहीं है, तो अब हम इसमें जब ढालेंगे अल्मोनियम या रांगा को तो यह बहुत बढ़िया सेट हो जाएगा मजबूत। इसके बाद इसमें कितना भी लोड पड़ेगा, कितना भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तब भी यह घूमेगा नहीं, नहीं तो अगर गोल रहता तो यह घूम जाता। तो आप वीडियो को देखते रहिए, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर इसका आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए। अब यहाँ पर हम इसमें ढालेंगे रांगा को, क्योंकि यह मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, छोटा सा मशीन बनाकर। आप इसे बनाना चाहते हैं तो आप अल्मोनियम का बना सकते हैं या आप लोहे का बना सकते हैं। लोहे का बनाने के लिए आपको ढालना भी नहीं पड़ेगा, लोहे का मोटा पाइप लेकर उसमें भी आप वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग करके बना सकते हैं। समझ में आ गया? यह तो मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ छोटा मशीन बनाकर। अब यहाँ पर देखिए, रांगा को मैंने ढाल दिया, अब यह पूरा मजबूती के साथ इसमें पकड़ लेगा। अब यह ठंडा हो चुका है, अब इसे हम निकालते हैं और देखते हैं। देखिए यह कितना बढ़िया अब इसमें सेट हो गया। अभी यह एक रोल है मिलिंग मशीन में, हमें कम से कम 3 रोल बनाना होगा। ऐसे जब 3 रोलर बनेगा तभी बढ़िया से यह मिलिंग मशीन काम करेगा। और आप अगर ऐसा मशीन बनाते हैं तो आप साबुन भी बना सकते हैं, उसमें कुछ और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप ऐसा और उसमें क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। समझ में आ गया? मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि आप घर पर ही कम से कम पूंजी लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर इसे अपसेट कर लिया है, अब इसमें हम एक पुल्ली लगाएंगे। पुल्ली के लिए हम यूज करेंगे साइकिल के रिन का, वो भी एक बढ़िया काम करता है, क्योंकि मैंने एक डिटर्जेंट पाउडर बनाने का मशीन बनाया था उसमें भी मैंने रिन का ही यूज किया था, वो बहुत बढ़िया काम करता है। देखिए, मिलिंग मशीन हुआ या डिटर्जेंट पाउडर बनाने का मशीन हुआ तो उसमें हमें जो मशीन का RPM है, स्पीड है, उसे बहुत कम रखना होता है। इसीलिए आप अगर इस रिन का यूज करेंगे तो यह बड़ा होता है और बड़े होने की वजह से यह स्पीड को कम कर देता है। समझ में आ गया? जो भी आप जो मोटर से चलाएंगे उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगा और जब आप इस रिन को लगा देंगे तो वह बहुत कम कर देगा उसका स्पीड। तो उसमें आप डिटर्जेंट पाउडर भी बना सकते हैं, मिलिंग मशीन भी चला सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे डिटर्जेंट पाउडर का अगर आप मशीन बनाते हैं तो उसमें भी स्पीड आपको कम चाहिए RPM, या तो आप गियर बॉक्स लगाएंगे तो गियर बॉक्स तो बहुत महंगा आता है, इसलिए आप इस तरीके से करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर मोटर इतना स्पीड चल रहा है और यहाँ पर मशीन देखिए कितना धीरे चल रहा है। समझ में आ गया? और यह रिन भी बहुत ज़्यादा लोड लेता है, जैसे बहुत बड़ा मशीन नहीं आप इसे बना सकते हैं, लेकिन आप छोटा मशीन जैसे अगर 5 kg 10 kg अगर डिटर्जेंट पाउडर आपको एक घानी में निकालना है एक बार में तो आप इतना बड़ा मशीन बना सकते हैं। अब यह मान लीजिए छोटा मिलिंग मशीन है, आप इससे बड़ा बनाएंगे तो उसमें यह रिंग बहुत
बढ़िया काम नहीं करेगा, अगर बहुत बड़ा रहेगा, और छोटा रहेगा तो उसमें काम करेगा। अब देखिए लोड भी ले रहा है पूरा, यह अभी एक ट्रायल है, समझ में आ गया। अभी ये तो यह एक रोलर है, इसमें हम दो रोलर और लगाएंगे तो वह बहुत बढ़िया मिलिंग मशीन काम करेगा। देखिए यह जो साबुन का रो मटेरियल है, इसे देखिए कितना ज़्यादा यह एकदम उसे समझ लीजिए पीस दे रहा है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इस मशीन को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। देखिए कितना बढ़िया यह काम कर रहा है। अब हम इसमें जब तीन रोलर लगाएंगे तो यह बहुत बढ़िया काम करेगा। देखिए किस तरीके से यह काम कर रहा है। कुछ भी आपको पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यह मैं एक हाथ पावर मोटर से चला रहा हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।